दक्षिणपुर नाम के गांव में राघवा नाम का एक व्यक्ति अपनी पत्नी और बच्चों के साथ मिलकर रहता था। राघवा एक वक्त की रोटी भी मुश्किल से जुटा पाता था और दूसरों के खेत में का काम करता था, लेकिन उस काम से मिलने वाले पैसे सिर्फ नाम की थी। उन पैसों से ही राघवा बड़ी मुश्किल से अपने परिवार का गुजारा करता था, इसीलिए वो कभी कभी बाहर मजदूरी का काम करने के लिए भी जाता था। फिर भी उसकी मुसीबतें कम नहीं होती थी। सीता, पीने के लिए पानी लेकर आओ, बहुत थक गया हूँ, मुझे और मेहनत नहीं हो पा रही है। आह, पता नहीं अपनी ये मुसीबतें कब कम होगी। अब अपने बच्चों के स्कूल की फीस भी बांधना है, अब वो पैसे कहाँ से आएंगे? उन्हें बंद करवा दो कहा तो आप नहीं सुनते। आज हम जो भी मेहनत कर रहे हैं, उन्हें के लिए तो कर रहे हैं ना सीता, उन्हें भी हमारी तरह मेहनत करनी पड़ी तो अपनी मेहनत जाया जाएगी, पढ़ाई ही उनका भविष्य है। वो बातें सुनकर सीता उसे कुछ नहीं कह पाती। ठीक है सीता, पहले खाना तो दो, बहुत भूख लगी है। दोनों अंदर चले जाते हैं। ऐसे सुबह होने के बाद, सीता मैं काम पर जाकर आता हूँ, तुम बच्चों को स्कूल भेज दो, आज कैसे भी करके फीस दे दूंगा। ये कहते हुए वहाँ से चला जाता है राघवा। ऐसे चलते हुए उसे रास्ते में उसका बचपन का साथी मिलता है। ओए राघवा, कितने दिन हो गए हैं तुझे देखते हुए, कैसे है तू? रे कृष्णा, क्या तू ही है? मैंने तुझे पहचान ही नहीं पाया, कितना बदल गया है रे तू। मैं शहर गया था, वहाँ नौकरी की है और आज इस स्थान पर हूँ। अब यहाँ इस गांव में घर बनाकर रहना चाहता हूँ। गांव में रहने के लिए बहुत अच्छा होते हैं, लेकिन पैसे कमाने के लिए शहर ही चाहिए। वो बातें सुनने के बाद राघवा जो मुसीबतें पड़ रहा है वो सब बताता है। सब सुनने के बाद कृष्णा, मैंने जिस ऑफिस में काम किया था उसी ऑफिस में तुम्हें काम दिलवा दूंगा, तुम वहाँ चले जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगा, और पहले बच्चों को फीस बांध दो। ये कहते हुए कुछ पैसे देता है कृष्णा। उन पैसों को लेकर काफी खुश होता है राघवा और जाकर अपने बच्चों की फीस बांध देता है और लौट जाता है। सीता, सीता, आज मेरा दोस्त शहर से लौट कर आया है, उसने वहाँ पर नौकरी करके खूब कमाई की है, वो मुझे भी वहाँ पर नौकरी दिलवा देगा, मैं भी जाकर चार पैसे कमा लूंगा, तो फिर जाऊँ मैं। बच्चों के भविष्य के लिए सीता का दिल ना होने पर भी अपने पिता को शहर जाने के लिए कह देती है। लेकिन सीता को राघवा के जाने का काफी दुख था अपने दिल में। ये ले लीजिए, रास्ते में खाने के लिए कुछ खाना बंदा है, और वहां जाकर अपना ख्याल रखना। आखिरकार वहां से शहर जाने के लिए निकल जाता है राघवा। शहर की बस चढ़ने के लिए पहले जंगल से पैदल चलकर जाना पड़ता है, इसीलिए राघवा अपना सफर पैदल की शुरू करता है। ऐसे चलते चलते रास्ते में एक जगह पर रुकता है। काफी थकान हो रही है, कुछ देर यही रुककर आराम कर लेता हूँ, यही ठीक रहेगा। ये कहते हुए अपने साथ लाए हुए खाने का बक्सा खोलते ही वहाँ पर दो ठोटे आते हैं। हमें बहुत भूख लगी है, हमें खाना खाए हुए 2 दिन हो गए हैं, क्या तुम खाने के लिए कुछ दोगे? उन्हें देखकर राघवा को काफी दुख होता है, इसीलिए वो अपने लिए लाया हुआ खाना उन दो पक्षियों को दे देता है। वो तोते खाना खाने के बाद परियों में बदल जाते हैं।
हमारी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम देवलोक से आई हुई कन्या है, लेकिन हम लोगों से गलती से एक ऋषि के स्थान पर प्रकट हो गए थे। उन्होंने गुस्से में मुझे श्राप दे दिया। हमें बिना स्वाद के खाना देने वाले ही हमें इस श्राप से मुक्ति दिला सकते थे, और तुमने हमारे लिए किया। तुम्हारा बहुत शुक्रिया। लेकिन इस समय तुम कहाँ जा रहे हो? तब राघवा उन परियों को उसकी परेशानी के बारे में बताता है। सब सुनने के बाद वो परियां, तुमने बिना स्वार्थ के हमारी मदद की है, इसीलिए हम भी तुम्हारी मदद करेंगे। ये कहते हुए उन्हें एक मायावी स्टव देते हैं। ये एक मायावी स्टव है, और तुम्हें जो चाहिए वो तुम्हें ये बना कर देगा, और इससे खाना बनाना रोकने के लिए इस पर 3 बार थपथपाकर शुक्रिया कहना होगा। ठीक है ना? इसे इस्तेमाल करके पूरी जिंदगी बदल सकते हो तुम्हारी दोस्त। ये कहकर वहाँ से चली जाती है वो दोनों परिये। उसके बाद राघवा भी वहाँ से घर को चला जाता है। घर पहुँचने के बाद, सीता जल्दी आओ और इस चमत्कार को देखो। क्या बात है जी, शहर से इतने जल्दी लौटकर आए हो? नौकरी का क्या हुआ, और ये स्टव कहाँ से उठा कर लाए हो? राघवा उस स्टव को घर में रखकर, उसके ऊपर एक काली बर्तन रखकर उसे क्या चाहिए वो मांग रहा था। उतने में और उसमें से मिनटों में स्वादिष्ट पकवान बनकर निकल रहा था। ऐसे उसमें से ढेर सारा खाना निकलने के बबाद राघवा उस स्टव पर 3 बार थपथपाता है। ये क्या है जी, इसमें से ऐसे कैसे खाना निकल रहा है? तब जो कुछ भी हुआ वो सारी बात सीता से कहता है राघवा। वो बात सुनकर काफी खुश होती है सीता। ऊपर वाले ने हमारी इस रूप में मदद की है जी, बच्चे भूखे ही सोए हैं। रुको, उन्हें अभी उठाती हूँ। ये कहते हुए सीता बच्चों को उठाती है। उसके बाद सब मिलकर उस स्वादिष्ट खाने को खाते हैं। अगले दिन सुबह, सीता हम इस स्टव की मदद से अपना छोटा सा व्यापार शुरू करते हैं। ये स्टव है ना, और क्यों कहे बिना मेहनत करके काम करने पर ही किसी भी चीज की अहमियत समझ नहीं आती है। वो बातें सुनकर सीता भी ठीक है कहती है, और वो अपनी एक छोटी सी होटल खोल लेते हैं। उतना स्वादिष्ट खाना कहीं पर भी नहीं होने की वजह से सब वहीं पर खाने के लिए आ रहे थे। ऐसे छोटा सा शुरू हुआ उनका व्यापार एक बड़े से रेस्टोरेंट में बदल जाता है। वो सब देख रहा कृष्णा। जिसके पास अपने बच्चों को फीस भरने तक की पैसे नहीं थे, वो अचानक से इतना बड़ा धनवान कैसे बन गया? वो मुझसे ज्यादा पैसे कमा रहा है, मेरे दिल को सुकून कैसे मिलेगा? ये कहते हुए असल में वो खाना इतना स्वादिष्ट होने की वजह से ही तो ना ये सब मिला है उसे। अगर मैं उसका खाना ही खराब कर दूं तो कल से उसकी होटल में कोई नहीं आएगा। ये कहते हुए चोरी से अंदर जाता है कृष्णा। लेकिन वहाँ पर खाना बनाने वाले कोई नहीं थे, और ना ही बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी। ये क्या, इतनी बड़ी होटल है, इतने सारों लोगों को खाना खिलाता है, और काम करने के लिए एक भी आदमी नहीं है, और ना ही पहले से रखकर बना हुआ खाना नहीं है, फिर वो इतना सारा लोगों को खाना कैसे खिला रहा है? ऐसे वो अपने आप में बात कर ही रहा था कि इतने में उस कमरे में राघव आता है। तभी कृष्णा एक कोने में छुप जाता है। राघवा उस स्टव को लेकर बीच में रखकर बिरयानी मांगता है। तब बड़ी बड़ी गाड़ियां भर के बिरयानी निकलने लगती है। वो देखकर हैरान हो जाता है कृष्णा। राघवा को उसकी तरफ आते हुए देखकर वहां से भाग जाता है। चा, तो ये बात है,
इसीलिए वो इतना पैसे कमा रहा है। कैसे भी करके उस स्टव को हासिल करना होगा मुझे। ये कहते हुए उस दिन रात को होटल से स्टव को चोरी करके घर लेकर जाता है, लेकिन उसे कैसे इस्तेमाल करते हैं ये नहीं जानता था वो। इसीलिए उसे जो चाहिए वो मांग लेता है, लेकिन उसे रोक नहीं पाता। उसके बाद सारा घर खाने से भर जाता है। क्या करूं? कुछ समझ नहीं आता उसे। लालच के चक्कर में इतनी बड़ी मुसीबत मोल ली है मैंने। ऐसे ही चलता रहा तो मैं इसे खाने में करी बन जाऊंगा। मेरी गलती की माफी मांगकर राघव से मदद मांगनी होगी। ये कहते हुए भागकर राघवा के पास जाता है कृष्णा। राघवा आकर उस स्टव को बंद कर देता है। मुझे माफ कर दो राघवा, लालच के चक्कर में इतनी बड़ी मुसीबत मोल ली थी मैंने। तुम्हारी तरह कोई और इसे इस्तेमाल करने की कोशिश करेगा तो मुश्किल हो जाएगी। अब मेरी आर्थिक स्थिति अच्छी ही है, अब मैं खुद मेहनत करूंगा। ये स्टव आज नहीं तो कल किसी ना किसी के लिए खतरनाक ही साबित होगा। ये कहते हुए आगे बंद करके प्रार्थना करते ही वो परिया वहाँ पर आ जाती है। राघवा उन्हें वो लौटा देता है। आपके अच्छे से दिल से हम बहुत खुश हैं। जब भी तुम्हें हमारी जरूरत होगी तब हमें याद कर लो, हम जरूर मदद करने के लिए आएंगे। ये कहकर वहाँ से चली जाती है परिया। कृष्णा भी अपनी दोस्त से माफी मांग लेता है। उसके बाद राघवा अपनी मेहनत से और खुशी से होटल चला लेता है।